कोतवाली पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम और बदमाशों के मध्य हुई मुठभेड़ में एक सिपाही के हाथ में गोली लग गई। वहीं पुलिस की गोलीबारी में एक इनामिया बदमाश घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक एक मुखबिर ने पुलिस को बताया कि पीलीभीत बस्ती मार्ग से सटे रंगीला गांव नगर में दो अपाचे मोटरसाइकिल पर चार बदमाश सवार होकर लूट के इरादे से निकले थे, जिस पर कोतवाल अशोक पांडे और क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंचे, जहां पर बदमाशों ने शहर कोतवाल की गाड़ी और पुलिस टीम की गाड़ी देखकर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे शहर कोतवाल की सरकारी गाड़ी का शीशा टूट गया। वह बाल बाल बच गए। इधर बदमाशों को हमलावर होते देख पुलिस पार्टी ने भी फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस द्वारा चलाई गई गोली से 15,000 रुपए का इनामिया बदमाश वहीं गिर गया। वहीं उसका एक साथी गन्ने के खेत में घुस गया और उसके दो साथी अपाचे मोटरसाइकिल पर सवार होकर फरार हो गए। बदमाशों द्वारा चलाई गई गोली क्राइम ब्रांच सिपाही देवेंद्र का हाथ छीलते हुए निकल गई। पुलिस और बदमाशों के मध्य दिन दहाड़े हुई मुठभेड़ से पूरे इलाके में दहशत फैल गई थी। पुलिस टीम कई घंटे तक गन्ने के खेत में खोजबीन करती रही, मगर शातिर अपराधी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। शहर कोतवाल ने बताया कि फरार हुए बदमाश को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। घायल आरक्षी और बदमाश की इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।